कहीं अब भाजपा को जो कि बिल्कुल भाजपा के लिए यहाँ दोस्तों जो है वो जरूर बढ़ सकती है। यही कारण है यहाँ पर बात की जा रही है कि टॉमी गुजरिया साहब क्या होंगे, टॉमी गुजरिया भैया आप क्या कर रहे हो पीछे, टॉमी गुजरिया को बुलाओ, टॉमी गुजरिया साहब नीचे आओ सारे ग्राउंड आपने बहुत बड़ा धोखा दिया सर, हम उनके कहने के पीछे पीछे बदमाश है सर, बदमाश कौन सा है कौन बदमाश सारे बदमाश ये सही नहीं है, जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है उसकी रिजेंटमेंट जरूर होती है, लेकिन रिजेंटमेंट होती है संगठन के सामने, ऐसा नहीं होता कि वो अपने हित पर आ जाए कि नहीं मार काट दो चेक कर दो संगठन बुरा है गंदा है, ऐसी बातें नहीं होती है। हम लोग संगठन के साथ जुड़े हैं, संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, संगठन जो फैसला लेता है सोच समझ के लेता है, 500 सर्वे होने के बाद संगठन फैसला लेता है, ये छोटी बड़ी बात नहीं होती, 5 साल के लिए लोगों के लिए काम करने का निर्णय होता है, और ये लोग अपने हित के लिए, मैं कहता हूँ समाज के हित के लिए लड़िए, अपने हित के लिए मत लड़िए, तो ऐसी बातें लेके जहाँ लड़ाई झगड़ा और इस तरीके का आप चुनाव करके बोल रहे हैं, मैं इसको इस चीज को नहीं मानता हूँ। कोई साठगांठ नहीं होती है संगठन, वो लोग पागल बैठे हैं साठगांठ करते हैं, वहाँ इतने लोग हैं लाखों लोग कार्यकर्ता है, साठगांठ क्यों करेंगे, जहाँ सर्वे होते हैं सर्वे के लिहाज से सबको मतलब मैंडेट दिए जाते हैं, क्या होमी खजूरिया को हमने कारपोरेटर नहीं बनाया था, क्या उसको प्रदेश अध्यक्ष नहीं, उसका डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष नहीं बनाया, उसको प्रभारी नहीं बनाया, उसको कहाँ तक उसको छोड़ा हमने, स्टेट सेक्रेटरी नहीं बनाया उसको, आप भी चलिए आप चलिए मेरे ख्याल ऐसा कुछ नहीं होता, ये रोब ऐसे ही होता है, कार्यकर्ता चलाते हैं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी तो एक चलाना शुरू कर दूंगा, मेरे को नहीं मेरी टिकट मिली, मेरा कुलभूषण मोहोत्रा है, मैं वहां लाइव अजी नहीं नहीं हम संगठन के ऊपर छोड़ते हैं, संगठन जो फैसला करे। ये जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं, मैं सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं का बहुत अधिक सम्मान करता हूं, हमारे लिए हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप होता है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से और जो वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पार्टी के मुख्यालय में आए हैं, मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहा हूं, पार्टी के जितने हमारे बड़े सहयोगी साथी हैं,
पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं, मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अनुशासित बद्ध तरीके से हम सब अपनी बात रखेंगे। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना मेरा काम है, मैं हर एक कार्यकर्ता से मिलूंगा। यहाँ श्रीमान ओमी खजूरिया साहब भी हमारे बीच में हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारे स्वयंसेवक बंधु हैं। हमें हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। मुझे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, प्रत्येक कार्यकर्ता का, पोलिंग बूथ से लेके प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं का मुझे बराबर सम्मान है। हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप है, देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा, एक एक करके सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं मुलाकात कर रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर एक बात हमने पहले भी सुनी है, आपसे परामर्श, विचार विमर्श मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर कार्य किया है, और मैं आगे भी आप सब की बात सुनूंगा। कैंडिडेट्स जो हैं, पैराशूट कैंडिडेट्स की जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके नाम काटे जाएंगे लिस्ट से कि नहीं? देखिए, हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली हैं। परिवार के सदस्य जब मिलकर रहते हैं और अनुशासन में रहते हैं तो परिवार मजबूत होता है। और इसीलिए मैं यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से, जो जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से एक एक करके सबसे मुलाकात करूंगा, सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी, हर एक कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर किसी के मन में कोई मन मुटाव हो गया, वो भी हम दूर करेंगे। लेकिन हम सबको अनुशासन में रहते हुए सब कार्य करते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की पहली टिकट अनाउंस होते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया। और मेरे पीछे आप यहां पर देख सकते हैं कि ओमी खजूरे को समर्थन यहां पर पहुंचे हुए। भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं, मुझे अपनी आदरणीय रविंद्र राणा जी से बातचीत हुई है, और आदरणीय हमारे प्रदेश के स्वतंत्र मंत्री अशोक कोल जी से बातचीत हुई है, और शाम तक उन्होंने कहा कि जो भारतीय शाम तक इसका निर्णय हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक एक एक कार्यकर्ता के हित में होगा। जय हमेश भाषण भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राणा जी ने दिए हैं। फिर कार्यकर्ताओं से बैठकर इसके ऊपर पुण्य विचार किया जाएगा। सभी कार्यकर्ता जो है वो मेरे साथ आएंगे, आपस में मिल बात करेंगे। ओमी खजूरिया को मनाने का कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाए, लेकिन सुमित जी क्या कहेंगे
एक आरोप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पैराशूट से जो लोग आए हैं उन्हें टिकट दी गई है, लेकिन जो संगठन में 40 साल से काम कर रहे हैं उन्हें इग्नोर किया गया है। देखिए, 40 साल से आया हुआ व्यक्ति और दो दिन में आए हुए व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। एक आदमी 40 साल एक फसल लगाता है, मेहनत करता है, उसके बाद जब फसल उगती है तो दो दिन में आके आदमी उसको काट के ले जाए तो आप क्या बोलेंगे, वो खेत और वो जगह उसकी होगी? ऐसा नहीं चलता है। हाँ, अगर वो संगठन की सोच रहे थे उन्हें लाइए, उन्हें काम करवाइए, क्योंकि वो वही लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर मजाक उड़ाए थे जब हम लोग कोरोना में अपनी जान जोखिम में डाल के लड़ रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। हमने उनके हर सवालों के जवाब कटाक्ष से, लोग एसी कमरों में बैठे हुए थे, तब एसी कमरों में बैठे हुए थे। और आज अगर ये बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता चलिए ओमी जी आए तो अच्छी बात है, ओमी जी को उनके लोग आए हैं, उन्होंने उनकी आवाज उठा दी और बात खत्म हो गई, लेकिन कार्यकर्ता वो है जो अपनी आवाज खुद बन के आएगा, क्योंकि जब काम करने जाता है कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डाल के जाता है। क्या इनको ये नहीं पता है कि एक कार्यकर्ता की क्या अहमियत होती है? आप तो जब हम वोट लेने ले जाएंगे तो लोग हमें बेइज्जती करेंगे, बोलेंगे भैया तुम तो हो ही नहीं कर्मठ कार्यकर्ता, जो दो दिन पहले एंट्री हुई है वो कर्मठ कार्यकर्ता है। आप बताइए, किश्तवाड़ की सीट का मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे उम्मीद थी कि पार्टी देखेगी कि कौन इंसान किश्तवाड़ में माँ सरथल देवी के आशीर्वाद से सरथल देवी रोड के लिए मैं दिल्ली तक गया। आपने देखा होगा वरुण जी, डेली वेजर्स के लिए मैंने जंग लड़ी, एनएचएम के लिए लड़ी, रेबरी खेल के लिए लड़ी, मैंने कितना इतने लोगों के लिए इतना दौड़ा, मुझे यही था, हमें टिकट का शौक अपने लिए नहीं होता। ये आपके कैमरा से मैं आप स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर हमारे हाथ में ताकत मिल जाए तो हम कई जनता के लोगों के काम कर सकते हैं। जनाब, अगर अगर बगैर सत्ता में आए हुए हमारे फोन नहीं उठते हैं तो सत्ता में आने के बाद हमारे फोन उठ जाए, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन अब क्या लगता है कि टिकटें अनाउंस हो चुकी है तो क्या लगता है वाचमन में अब विरोध और ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, ये जो लोग इधर आए हैं जो विरोध कर रहे हैं, हर एक इंसान के मन में अपनी जगह रोष होगा, कहीं खुल के सामने नहीं आना चाहते, कोई बोल नहीं सकते, लेकिन बोलने वही आएगा जिसे सच्चे मन से मेहनत की होगी, जिसको अगर मुझ जैसा कार्यकर्ता जो बोलने आया है, मैंने सेवा की है पार्टी की, तन मन धन से मैं लड़ा हूँ लोगों से, मैंने काउंटर किए हैं बाकी विपक्षी पार्टियों को, और आज भी कई पार्टियां मुझे लगातार अप्रोच में लगी हुई हैं और कह रही हैं कि हम आपको टिकट दे देंगे, लेकिन मैं एक संगठन का आदमी हूँ, मैं अभी तक उसकी सोच के साथ ही चलता आ रहा हूँ, आगे भी चलूंगा। लेकिन पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि कर्मठ कार्यकर्ता का मतलब क्या होता है, कर्मठ कार्यकर्ता मुँह से बोलना और कर्मठ कार्य की पहचान करना, ये पार्टी अगर समझ जाएगी तो बहुत फायदे में रहेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो आप जहाँ पर देखिए कि ओमी खजूरिया को यहाँ पर मनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है, ओमी खजूरिया हम खजूरिया क्या कहते हैं इस पर? भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इतने सारे कार्यकर्ता है, खजूरिया साहब इतने सारे कार्यकर्ता है, फिर भी कोई शहर में पोलिंग बूथ से लेकर एक बहुत सा छोटा सा कार्यकर्ता जिसने ईमानदारी से क्या कर रहा वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के हर एक ओहदे पर मैंने काम किया। मैं दूसरी दफा जम्मू नॉर्थ का जिला अध्यक्ष हूँ और आदरणीय मेरे कार्यकर्ताओं ने और मैंने हमने अपने रविंद्र राणा जी जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आदरणीय अशोक कौल जी से बात की है, उन्होंने यकीन दिलाया है, विश्वास दिलाया है, प्रत्येक फैसला जो है कि भारतीय जनता पार्टी के एक के कार्यकर्ता के हित में लिया जाएगा, ये हमें आश्वासन दिया गया। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर मनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो ओमी खजूरिया से भी हमने बातचीत जो है यहाँ पर की है। तो ओमी खजूरिया का ये कहना है कि जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए, जो पैराशूट से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनका टिकट कटना चाहिए, और जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्हें सेवा का मौका मिलना चाहिए। नमस्कार।